फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो क्वेश्चन किया था हमने अभी तक, एक क्वेश्चन किया था खाली, ठीक है ना? तो अब देखते हैं पहले कौन सा क्वेश्चन कर लिया था और फिर उसके आगे क्या करना है। आज और यहां से शेयर कर लेते हैं, फिर अगली क्लास से वो हार्ड कॉपी निकाल लेंगे। ढूंढना पड़ता है बहुत ज्यादा। सबसे लास्ट चैप्टर होगा मेरी वाली बुकलेट जो है इसमें, काफी आगे चलेगा लग रहा है। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन उस दिन हमने करा था यहाँ से, और एक क्वेश्चन टी एस ग्रेवाल से करा था, ठीक है? और इसमें देखते हैं सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा आई थिंक, इसके जैसा ही दिया होगा मैंने होमवर्क के लिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर टू ये आप कर लेना बाद में अपने आप, ठीक है? फर्स्ट और सेकेंड एक जैसे ही है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है आपको, डेबिट बैलेंस, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट बना के, ठीक है ना? परचेज एंड सेल्स दे रखा है, फिर रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, कैरिज, वेजेस एंड सैलरी, ट्रेड एक्सपेंस, रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस के बाद थोड़ा सा अलाइनमेंट टेढ़े हो गए हैं ना, इसको ठीक कर लेंगे। ऑडिट फीस 1200 है, डेटर एंड क्रेडिटर है 1,10,000, 62,100 और बी आर एंड पीपी है 3,300, 2,200। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है 5,500, कमीशन है 1,000, ओपनिंग स्टॉक 36,000, कैश इन हैंड 12,800, कैश एट बैंक 26,800। ये ट्रायल बैलेंस है इतना, अगले पेज पे भी होगा ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे भी है। बैंक लोन है हमारा 20,000 रुपए, क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है 1,500 रुपए, कैपिटल है आपका 2,50,000, ड्रॉइंग से 15,000 और फिक्स एसेट्स है 3,00,000। ट्रायल बैलेंस का टोटल है 8,77,300 दोनों साइड। उसके बाद नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको स्टॉक एट द एंड ऑफ 60,000 दे रखा है, डेप्रिशिएट करना है फिक्स्ड एसेट्स को 10% से, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो ये क्या हो गया हमारा एक्रूड इनकम। कमीशन हमने अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं करा, तो ये करंट ईयर की इनकम है, तो इसे इनकम में प्लस करना पड़ेगा। फिर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एक रेंट हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है, तो ये अगले साल की इनकम, इस साल ले ली हमने, तो ये माइनस हो जाएगी इनकम में से एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है और चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 रुपीज अमाउंट में दे रखा है, ठीक है? और फोर्थ क्वेश्चन, चलो थर्ड कर लेते हैं पहले, ठीक है? बनाओ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट बना लो। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, एक पेज पे तो जाना चाहिए, ठीक है? जैसे मेरे पास यहाँ पे इस पेज पे थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है पहले से, तो मैं काम करता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ बना लेता हूँ, है ना? फिर P&L अकाउंट नेक्स्ट पेज पे कैरी कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा आराम से। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, क्या कोई एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड थी इसमें? नहीं थी, नहीं था ना? ना तो आपका डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, ना ही कमीशन आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट, ना रेंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं होता। तो हम ट्रेडिंग बना लेते हैं बिना एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर टू है ये नोट्स का, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ये टू है कि थ्री? सॉरी, थ्री, टू तो होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर थ्री, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा तरीके से। Thank you.
सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढ लेंगे, नीचे दे रखी थी, नीचे जाके आपका ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे 36,000। फिर ओपनिंग स्टॉक के बाद हम यहाँ लिखते हैं टू परचेज। परचेज अगर हमें परचेज रिटर्न दिया हुआ है तो इस परचेज के अमाउंट को हम इनर साइड में लिखते हैं 2,75,000, और फिर हम इसमें से रिटर्न वाली वैल्यू माइनस कर लेते हैं। तो परचेज रिटर्न को हम क्या कहते थे, रिटर्न आउटवर्ड। तो यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड दोनों दे रखे हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड है 9,000 रुपए। तो ये 9,000 रुपए जैसे ही इसमें से हम डिडक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा 2,66,000। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लें बाई सेल्स। सेल्स का जो बैलेंस है वो 5,20,000। 5,20,000 इसमें से भी हम माइनस कर लें रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड ये है 15,000। तो बची हुई वैल्यू हो जाएगी 5,05,000। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है 60,000। और ध्यान रखना ये बैलेंस शीट में भी लिखेंगे, अभी जब बनाएंगे बैलेंस शीट थोड़ी देर बाद बना लेंगे, 60,000 एक्सपेक्टेड। अब इसमें से बस एक काम करना है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारे ढूंढ लेते हैं। अच्छा कैरेज लिखा हुआ है सिर्फ, तो कहाँ पे लिखेंगे इसे, ट्रेडिंग, ठीक है ना, इनवर्ड मान लेते हैं इसको हम अपने आप, जब कुछ भी मेंशन ना हो तो उसको कैरेज इनवर्ड मान लिया जाता है। 12,400 इसका अमाउंट है। फिर वेजेस एंड सैलरी है, तो वेजेस पहले लिखा हुआ है तो उसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, और अगर सैलरी पहले लिखा होता तो पी एंड एल अकाउंट। 58,600। बाकी पूरा क्वेश्चन आप छाट लोगे जब, पूरा पढ़ लोगे तो, और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है इन दोनों के अलावा। तो बस इसका मतलब इतना ही करना है हमें, और आंसर बताना कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, ये वाली साइड ज्यादा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर। ये तो टोटल तो हो गया यहाँ पे 5,65,000, 5,65,000। कैलकुलेटर काम किया, मेरा तो आ रहा है 1,92,000। ठीक है, 1,92,000 ही आंसर है, माइनस करके सब कुछ 1,92,000। अच्छा ये ट्रेडिंग तो हो गया पूरा, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है हमें। अब हम यहाँ पे इस साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ऊपर लिखूंगा नहीं मैं हेडिंग, उसी को आगे कैरी कर देंगे ना, हमने एक साथ बनाया ज्वाइंट करके, इसी को आगे बढ़ा लेंगे ऐसे थोड़ा सा आधे पेज तक। फिर यहाँ पे बना लेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट है क्वेश्चन की वो डेट यहाँ लिख देंगे, डेट दे रखी है वैसे 31 मार्च 2012, एज ऑन 31 मार्च 2012। एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, सबसे पहले तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं वरना ये निकल जाएगा दिमाग से। 60,000। अब फिर से जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली एंट्रियां हैं उनको कर लेते हैं पहले। जैसे डेप्रिशिएट करना है फिक्स्ड एसेट्स को, क्वेश्चन में दिया हुआ था डेप्रिसिएशन लगाना है फिक्स्ड एसेट्स पे, तो पहले बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको ट्रायल बैलेंस में ढूंढेंगे,
ट्रायल बैलेंस में जब हम ढूंढेंगे ऐसे तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू, ये लो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये रहा आपका फिक्स्ड एसेट्स, कहाँ गया, ये रहा सबसे लास्ट में है 3 लाख, है ना, फिक्स्ड एसेट्स आपका 3 लाख है, तो इस 3 लाख रुपए को यहाँ पे लिख लेंगे, और फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है, तो लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो 30,000 हो जाएगा, तो ये 30,000 यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, 2,70,000 इसकी नेट वैल्यू हो जाएगी, और जितना भी डेप्रिसिएशन होता है वो P&L अकाउंट में चार्ज होता है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 30,000, ये इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपका एडजस्टमेंट नंबर 3 पे है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो कमीशन हमारी इनकम है, तो पहले कमीशन को हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी कमीशन हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उस कमीशन को हम यहाँ लिख लेंगे ढूंढ के, तो कमीशन का अमाउंट है 1,000। हाँ सर, पहले ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखे? अच्छा हाँ, वो रह गया, एक सेकंड, हाँ लिखे हैं, वो तो ट्रांसफर किएगी, ग्रॉस प्रॉफिट 1,92,000 हम यहाँ लिखेंगे बाई कमीशन, कमीशन हमें क्वेश्चन में 1,000 रुपीस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, मतलब ये कमीशन हमें रिसीव्ड हो चुका है कैश के फॉर्म में। अब कुछ कमीशन हमने अर्न करा लेकिन हमें मिला नहीं इस साल के अंत में, हमें पता लगा ये बात, तो ये बट वो इसी साल की इनकम है तो प्लस हो जाएगा, किस नाम से, एक्रूड कमीशन के नाम, 400 रुपए, तो मेरी करंट ईयर की जो इनकम होनी चाहिए कमीशन के रिस्पेक्ट में वो 1,400 होनी चाहिए, और क्योंकि ये कमीशन कैश के फॉर्म में नहीं मिला, अगर ये कैश के फॉर्म में मिला होता तो कैश में प्लस हो जाता, बट ये कैश के फॉर्म में नहीं मिला है तो ये मेरा एसेट्स हो जाएगा, ठीक है, एक्रूड कमीशन 400, बाद में मिलेगा, जो भी चीज फ्यूचर बेनिफिट है वो एसेट्स होती है। फिर आगे है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये कह रहे हैं कि रेंट एडवांस में रिसीव्ड कर लिया है, तो क्वेश्चन में रेंट दिया हुआ था कहीं पे हमें, हाँ रेंट दे रखा था हमें 13,000 रुपए, तो आप यहाँ पे बाई रेंट, हमने रेंट के 13,000 रुपए रिसीव करे हैं, लेकिन इसमें 1,000 रुपए ऐसा था जो एडवांस में रिसीव कर लिया था, तो उसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, तो किस नाम से हटाओगे आप, इसको प्रीपेड रेंट के नाम से हटा दो, नहीं प्रीपेड तो पहले से पेमेंट वाला हो जाता है, आप इसको लिख लो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इसी नाम से, या अनअर्नड रेंट भी लिख सकते हैं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपका 1,000 रुपए हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है, तो 12,000 रुपए ही हमारी इनकम मानी जाएगी करंट ईयर की, और 1,000 रुपए क्योंकि हमने एडवांस में ले लिया है तो कैश में ऑलरेडी प्लस हो चुका है ये अमाउंट, है ना, तो इसलिए इसको अपना लाइबिलिटी बनाना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपए। एक लास्ट एडजस्टमेंट बची है खाली, लास्ट है, कह रहे हैं कि अलाउ करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चार्ज करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा वो बिजनेस के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा, और किस पे अलाउ होगा, कैपिटल पे अलाउड होगा, तो कैपिटल देख लो क्वेश्चन के अंदर, आपका कैपिटल है 2,50,000 और उस पे आपको कितना बोला है 8%, तो 2,50,000 का 8% कैलकुलेट कर, सीधे सीधे कोई डेट वगैरह नहीं गिवन है तो पूरे साल का निकलेगा, तो ये 20,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसका अमाउंट दे रखा है, ये चार्ज करेंगे तो इनकम है बिजनेस के लिए 900 रुपीज। आप अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, वहां पे हम क्या करते थे, डायरेक्ट प्लस माइनस कर लेते थे कैपिटल में से ना, डायरेक्ट नहीं होता था, मैंने पहले ही बताया था इस तरीके से चलता है आपको, जब पहले ये P&L अकाउंट में आएगा अब ये कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा जाके, तो यहाँ पे कैपिटल लिख लेते हैं, कैपिटल का अमाउंट, कैपिटल है हमारा 2,50,000, इसमें IOC ऐड कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC 20,000 ऐड हो जाएगा, और इसमें से माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 900,
और एक चीज और, ड्राइंग्स भी माइनस होती है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स दोनों माइनस होता है, तो ड्राइंग्स भी माइनस हो जाएगी आपकी। ड्राइंग्स क्वेश्चन में ढूंढ लेते हैं हम, ड्राइंग्स नीचे से सेकंड लास्ट पे 15,000 रुपए दिया हुआ है, तो ये दो अमाउंट माइनस में है। अच्छा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा वो एक लाइन छोड़ देते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं, ऐसे लिखेंगे बाद में लिखेंगे। तो ये एडजस्टमेंट्स वाली एंट्रियां सारी हो गई, अब हमें विदाउट एडजस्टमेंट्स की जितनी भी एंट्री है वो करनी है, ठीक है। तो मैं एक एक करके ऊपर से पढ़ता जा रहा हूँ और लिखता जा रहा हूँ फटाफट। परचेस सेल हो गया, रिटर्न इनवर्ड हो गया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया, कैरेज हो गया, वेजेस एंड सैलरी है ये भी हो गया, ट्रेड एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होता है, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट है 2200, ये 2200। उसके बाद रेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, इंश्योरेंस 2000। इंश्योरेंस के बाद ऑडिट फीस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, ऑडिट फीस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 1200। ऑडिट फीस के बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हैं, तो जो डेटर्स हैं वो तो एसेट्स, डेटर्स 110,000 और जो क्रेडिटर्स हैं वो लाइबिलिटी 62,100। फिर आपका बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बिल्स पेबल 2200 और बिल रिसीवेबल एसेट 3300 इसका अमाउंट गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है उसके नीचे प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होगी, टू प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग 5500। फिर आपका कमीशन हो गया, आई थिंक हाँ हो गया कमीशन। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक भी हो गया, कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट साइड में, कैश इन हैंड है आपका 12,800 और कैश एट बैंक है आपका 26,800। फिर आपका बैंक लोन, ये लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस है, बैंक लोन 20,000, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन 1500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1500, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। इसके बाद आपको दिया हुआ है कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग्स माइनस हो गया, फिक्स एसेट भी हो गया हमारा, ठीक है। तो सारी एंट्रियां हमने ट्रांसफर कर ली, ये रहा क्वेश्चन, ये परचेज रिटर्न वगैरह जितने भी एंट्रियां थी ये सारी फिक्स एसेट तक ये सब लिख लिया हमने। बस अब हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आ रहा हो पी एंड एल अकाउंट से पहले इसको क्लोज कर लेना है, ये वाली साइड ज्यादा है, नेट प्रॉफिट ही आएगा। निकालना कितना आ रहा है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, टोटल 2,06,300। क्रेडिट साइड का टोटल ना, हाँ ठीक है, 2,06,300 इसी टोटल को यहाँ भी लिख लेंगे, 2,06,300। इसमें से ये सारी वैल्यूज माइनस करेंगे, करो माइनस 30,000 -20,000 -2,200 -2,000 -1,200 5,500 1,500 1,43,900 ठीक है, 1,43,000 ये वन है, ठीक है ना, ये वन दिख रहा है, इसको यहाँ ले आओ बैलेंस शीट में, प्लस नेट प्रॉफिट 1,43,900। इन सारे अमाउंट को एडजस्ट कर लेते हैं, 2,50,000
प्लस 20,000 माइनस 900 माइनस 15,000 प्लस 1,43,900, ये क्या हो गया? कुछ गलती हो गई मुझसे, एक मिनट। 2,50,000 प्लस 20,000 माइनस 900 माइनस 15,000 2,54,100 हो गया ये, प्लस 1,43,900 कितना आ रहा? 4 नहीं, लाख 3 लाख, नहीं, ये कितना आया? 3,98,000, ये वाला। अच्छा, अब दोनों साइड का टोटल कर लेंगे तो टैली हो जाएगा। तो ये 3,98,000 और 1,000, ये 3,99,000 प्लस 62,100 प्लस 2,200 और प्लस 20,000, तो 4,83,300, यही टोटल है। यही सेम टोटल यहाँ भी आ जाना चाहिए, 60,000 प्लस 2,70,000 प्लस 400 प्लस 1,10,000 3,300 12,800 26,800 4,83,300। ठीक है, ये अगला देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो किया था, ये देखो, ये आंसर है 1,92,000 ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद आपका 1,43,900 नेट प्रॉफिट, और बैलेंस शीट का टोटल 4,83,300। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं दिए हुए, पर्टिकुलर वैसे वो डेबिट क्रेडिट बैलेंस ही है ना, आप देखोगे ध्यान से तो, और नहीं भी है तो हमें पता है कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होता है। ओपनिंग स्टॉक है, फर्नीचर है, परचेज है, कैरिज इनवर्ड है, और आपका बैड डेट है, वेजेस है, डेटर्स है, सेल्स रिटर्न है, उसके बाद रेंट, मिसलिनियस एक्सपेंस, सैलरी, कैश, ड्राइंग, बिल्डिंग, एडवर्टाइजिंग, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इस साइड देखें तो सेल्स है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट है। अच्छा, इसमें बैड डेट भी है क्या? एक मिनट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। बुक से करते हैं क्वेश्चन, या तो एक काम करो आप ये वाला करो तब तक ना, ये भी हो जाएगा क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 करना है जो रह गया था हमारा। ठीक, आप निकाल लो अपने, यहाँ पे मैं यहाँ से ऊपर नीचे करूंगा ना बार बार, वहां उसमें खोल लो, व्हाट्सएप में मैंने भेजा हुआ है ना वॉल्यूम 2, उसमें पेज नंबर 76। निकाल, ये क्वेश्चन 275 पे है, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर है, पेज नंबर 75 पे, और बाकी का क्वेश्चन इधर 76 पेज नंबर पे है, और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन 2 था ना? हाँ, क्वेश्चन 2। ये ट्रेडिंग अकाउंट से भी माइनस कर, जो वेजेस है उससे माइनस करेंगे ना आउटस्टैंडिंग? नहीं, माइनस क्यों होगा? पहली बात, वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? वेजेस ड्यू बट नॉट पेड।
अच्छा हाँ तो तो प्लस प्लस होगा होगा, ना, हाँ प्लस प्लस होगा, होगा। वेजेस, वेजेस में प्लस हो जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक।